बच्चों हम इतिहास में भी रिवीजन कर रहे हैं। ये विद्रोही राज चैप्टर से है, जिसमें कि हम जो विद्रोह कर रहे थे, वह देश की आजादी के लिए कर रहे थे, उससे संबंधित हम ये सब चीजें देख रहे हैं। ये प्रश्नों के उत्तर है, जिसमें कि अंग्रेज ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर 1857 बड़े पैमाने पर जब शुरू हुई थी, तिया महूम जो है सितंबर में शुरू हुई थी, जिसमें कई पूरे उत्तर भारत में विद्रोही राजधानी से बचाने के लिए दिल्ली में भी आकर गए थे, जिससे कानूनी और मुकदमे प्रक्रिया को भी रद्द कर दी गई थी, जिससे कि विद्रोही केवल एक सजा हो सकती थी, वह थी सिर्फ सजाए मौत। मतलब विद्रोहियों को दबाने के लिए उन्हें सबसे क्या कहा, किसी भी तरह की प्रक्रिया नहीं होगी, वह सिर्फ जो भी विद्रोही होगा उसे सजाए मौत दिया जाएगा। और इस तरह से टुकड़ियों में जो कई सेना के जो कई टुकड़ियां होती जो रवाना की जाती थी उपद्रव को शांत करने के लिए, फौजियों को आसानी से कानून पारित कर दिए जाते थे, जिससे कि समूचे भारत में जो है मार्शल लॉ भी लागू कर दिया था, जिसमें कि बिना किसी तरह के कार्रवाई किए वगैरह ही उसे सजाए मौत दिया जा सकता था। फिर विशेष कानूनों के ब्रिटेन ने जो मंगाई गई नई नीति सैनिक टुकड़ियों को लैस कर दिया था, जिससे विद्रोह को चलने का काम शुरू किया था। उसी तरह अंग्रेजों ने कूटनीतिक का सहारा लिया, जिसमें शिक्षित वर्ग और जमींदारों के विद्रोह को दूर रखा, और जिससे जमींदारों की जो जागीरें थी उसे वापस लौटाने का भी आश्वासन दिया था, ताकि वे विद्रोह ना करें। फिर अंग्रेजों ने संचार के साधनों जो थे उन्हें भी पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, जिससे कि विद्रोह की सूचना जो है दूसरे को आसानी से मिल ना सके और उसे हम विफल कर सके। फिर अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था, किसान तालुकदार जमींदार जो थे वे सब उसमें क्यों शामिल थे। वह इसलिए शामिल थे क्योंकि वहाँ लोग विरोध कर रहे थे, लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गई थी, जिसमें कई अल्पवयस्क पुत्र जैसे विरजिस कादर भी थे अवध के नवाब घोषित कर दिए गए थे, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ उन्होंने कर दिया था। साथ ही साथ जमींदार किसान सैनिक सारे लोग जो बेगम की मदद की, और जो जुलाई 1857 में ब्रिटिश रेजिमेंट ने जो घेरा डाल दिया था, जिससे कि वह शीघ्र ही संपूर्ण अवध में क्रांतिकारियों की पताका फहराने लगी थी। इस तरह से विद्रोही जो है वह बढ़ते जा रहे थे। सभी अवध में ब्रिटिश शासन के आगमन से एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक भी बन गया था, जिससे लोग उनकी आंखों के सामने जो है छिन्न भिन्न हो रही थी, जो साम्राज्य थी वह छिन्न भिन्न हो रही थी, और लोगों की भावनाओं मुद्दों परंपराओं निष्ठाओं को भी जो अभिव्यक्ति का स्रोत बन गया था, उसके साथ साथ उन सबके साथ वह बुरा व्यवहार कर रहे थे। फिर अवध के विलय के पश्चात भी तालुकदारों दुर्गों पर नष्ट कर दिया था, जिससे कि सेनाओं को भंग कर दिया गया। इस तरह से तालुकदार और जमींदार भी असंतोष की जो चरम सीमा थी उस पर पहुंच गए थे और वे विद्रोह में शामिल हो गए थे। फिर विद्रोही क्या चाहते थे, सामाजिक समूहों की दृष्टि से कितना फर्क था। विद्रोही ये चाहते थे कि उनका देश जो है वह आजाद हो। समान उद्देश्य जो था वह था ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना, और यही कारण जो था विद्रोह के अंग्रेजों के लिए जो विरुद्ध एक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे कि लाभ हानि समान रूप से भागीदार थे, और साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग के हितों की हानि पहुंची थी, जिसमें कि असंतोष जो था वह क्या था, चरम सीमा पर पहुंच गया था। इसलिए सामाजिक समूह अपने अपने हितों की रक्षा के लिए विद्रोह में सम्मिलित होने लगे थे। एक समान उद्देश्य होते हुए तो उनकी दृष्टि में भी अंतर था, जिसमें मुगल सम्राट बहादुर साधवी झांसी की रानी पेशवा बाजीराव ये सारे लोग जो थे ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपने अपने जागीरों में पुनः प्राप्त करना चाहते थे, और साथ ही साथ ना छल का कहीं बल कहीं कि जिससे आप जैसे भी हो वे अपने देश को अपने राज्य को वापस जाना चाह रहे थे, जिससे कि भू राजस्व रूप में विशाल धनराशि जमींदारों को भी थोप दी गई थी, जिसमें स्कूलों अस्पतालों सड़कों आदि विशाल धनराशि जो थी चंदे के रूप में लोग को देनी पड़ती थी, जिससे कि उनकी बहुत सी समस्याओं का निपटारा किया जा सके। साथ ही साथ आंतरिक बाह्य व्यापार जो उद्योगपति थे उन पर भी नियंत्रण रखा गया था, जिसके कारण लोगों का शोषण बहुत ही ज्यादा हो रहा था। फिर देखेंगे विद्रोह के विषय में चित्रों से क्या पता चलता है। जो चित्रित होते हैं, जो पोस्टर बने हुए थे पेंसिल से रेखा चित्र से उत्कीर्ण पोस्टर कार्टून बाजार प्रिंट आदि उपलब्ध होते थे, उससे ये पता चलता था कि लोगों के साथ जो है कितना शोषण हो रहा था, और साथ ही साथ अंग्रेजों के साथ भी जब विद्रोह कर रहे थे तो संभावित सर्वाधिक भयंकर रूप जो अवध की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला था, जहां पर विद्रोही सैनिक जो लखनऊ का घेरा डालकर लखनऊ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने सभी ईसाइयों को इकट्ठा करके उनके साथ अत्यधिक सुरक्षित रेसिडेंस में भी उन्होंने शरण ले लिया था। मतलब अंग्रेजों को इतना ज्यादा डर हो गया था, और लोग साथ ही साथ जो ना हो सके
इसी तरह से अंत में कार्लिन कैंपबेल जेम्स आठवां सेना जो थी वह भी रक्षक सेना घेरे को छुड़ाया और साथ ही साथ वीरता पूर्वक प्रतिरोध तीव्रता विजय भी प्रतीक के रूप में हुआ। इसके साथ साथ जब चित्र में कई भाग दिए गए जिसमें सब हैं घायल हैं घेरेबंदी मारकाट के साक्षी हैं जिसके कारण भी लोग इस तरह से जो विचित्र थे वह सारे साक्षी को बताते हैं। फिर देखेंगे कि एक चित्र और एक लिखित पाठ को चुनकर किन्हीं दो स्त्रियों ने पड़ताल कीजिए जिसमें बारे में चर्चा कीजिए कि विजेताओं पराजितों के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है। जब हम एक चित्र और एक लिखित पाठ का चुनाव करते हैं तो परीक्षण करने से हमें पता चलता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम परीक्षण करते हैं स्पष्ट होता है कि अंग्रेजों जिस संघर्ष में एक सैनिक विद्रोह मात्र कहा है भारतीय ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सारे लोग एक साथ होकर उनका विद्रोह करने को तैयार होते। चित्र में रानी की वीरता भी साकार रूप में दिखाई देती है और उसकी वीरता की सराहना कविताओं की रचना भी की गई है जिसमें कि झांसी की रानी अन्याय और विदेशी सत्ता के प्रति जो है दृढ़ प्रतिरोध की प्रतीक बन गई थी। फिर उठे पास पुस्तक में भी कई चीजें हैं जैसे अवध के लोग जो है उसे जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोड़ बना रहे हैं जिससे कि यूरोपीय पकड़ से बिल्कुल बाहर थे और पल भर में वे बिखर जाते थे। और साथ ही साथ अधिकारियों को कहना होता था कि एक गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है जिसके पास बकायदा बंदूकें हैं। इससे पता चलता है कि विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ था और शासन जो है लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था जिसमें राजकुमारों तालुकदारों और किसानों सिपाहियों के सभी को समान रूप से प्रभावित किया गया था और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन के आगमन की समाप्ति का प्रतीक भी बन गया था।